मॉर्निंग बच्चों, 12th क्लास। पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव में आपने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा। और तीसरा है आपका मृदा प्रदूषण। मृदा यानी मिट्टी। मृदा कैसे प्रदूषित होती है? मृदा में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसे, जल एक निश्चित मात्रा और अनुपात में होते हैं। लेकिन जब मृदा में इन तत्वों की मात्रा और अनुपात में परिवर्तन होता है, अधिकता हो जाता है, इन पदार्थों की मात्रा और अनुपात में परिवर्तन होता है, तो मृदा प्रदूषण फैलाता है। अब इसके क्या कारण है मृदा प्रदूषण के? सबसे पहला है कीटनाशक दवाएं। कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से, कीटनाशक दवाएं हम वैसे भी वातावरण में भी शुद्ध करने के लिए, वायु प्रदूषण के को कम करने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं। दूसरी चीज, फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए, फसलों में कीड़े ना लगे, इसके लिए फसलों में भी हम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, उपयोग करते हैं। तो कीटनाशक दवाएं मृदा प्रदूषण का कारण बनती है। ये जल के साथ पृथ्वी पर की सतह पर आ जाती है और भूमि को ये प्रदूषित करता है। दूसरा है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक जैसे खाद इत्यादि जो है फसलों की अच्छा पैदावार के लिए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि है तो फसलों के अधिक उत्पादन के लिए हम रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। ये रासायनिक उर्वरक जल के साथ मृदा को प्रदूषित करते हैं, पृथ्वी पर आकर के मिट्टी को प्रदूषित करते रहते हैं। तीसरा, घरेलू उपमार्जक। घरों से विसर्जित होने वाले साबुन, शैम्पू, फिनाइल, DDT, ये सब चीजें जो है घरेलू उपमार्जक, ये नदियों से होते हुए जल में जाते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं और मिट्टी को भी प्रदूषित करते रहते हैं, क्योंकि मिट्टी से होते हुए ये जाते हैं, इसलिए मृदा को भी प्रदूषित करते रहते हैं। मृदा अपरदन। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। पेड़ पौधे अधिक से अधिक काटे जा रहे हैं तो मिट्टी का कटाव जो है होता जा रहा है, जिससे कि मृदा अपरदन से भी हमारी मृदा जो है वो प्रदूषित हो रही है। मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहला है भूमि की उर्वरता को कम करते हैं। उपजाऊ मिट्टी बनती है, लेकिन ये मिट्टी की उपजाऊपन को कम करते हैं, उर्वरता को कम करते हैं, इसलिए रासायनिक खादों के स्थान पर देसी खादें डालनी चाहिए, जैसे गोबर की खाद बना करके या कूड़े करकट को सड़ा करके, इससे ज्यादा उर्वरता वृद्धि बढ़ती है। मृदा प्रदूषक पेड़ पौधों के माध्यम से अन्न में भी पहुंचते हैं, पेड़ पौधों में डाले जाते हैं। ये प्रदूषक जैसे पेड़ पौधों में कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं या अनाज को उत्पन्न करने के लिए उर्वरक डाले जाते हैं, खाद इत्यादि डाले जाते हैं, तो ये पेड़ों के माध्यम से अन्नों में पहुंचते हैं, अनाज में पहुंचते हैं, और अनाज में पहुंच करके जब यही अनाज मनुष्य खाता है तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और तमाम तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए प्राकृतिक खादों का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की कंपोस्ट खाद बना करके, और दूसरी चीज ये जो हमारे अपमार्जक पदार्थ हैं ये सब जला करके या फिर गड्ढे में दबा करके, घरेलू अवशिष्ट जो निकलते हैं सारे पदार्थ, कूड़ा करकट, गोबर, मिट्टी, ये सब को गड्ढों में दबा करके सड़ा करके खाद बनाई जाती है, और इन प्राकृतिक खादों का उपयोग करने से भूमि उपजाऊ है। कीटनाशक रसायनों का कम प्रयोग किया जाए। कीटनाशक रसायन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि अनाजों के अधिक उत्पादन में अधिक से अधिक करते हैं, तो अनाजों के उत्पादन में कीटनाशक रसायनों के स्थान पर अन्य चीजें डालनी चाहिए, जिससे कि ये कीटनाशक रसायन कम प्रयोग होंगे तो मृदा हमारी कम प्रदूषित होगी। कीटनाशक दवाओं को अनाज में न मिलाना। हम अनाज में कीटनाशक दवाओं को मिला करके अनाज को कीड़े मकोड़े से बचाते हैं, संरक्षित करते हैं, लेकिन वही अनाज अगर हम खाते हैं तो हमको भी नुकसान पहुंचता है। दूसरी चीज, अगर हम खेतों में बुवाई करते हैं इसी अनाज का, तो वो
मिट्टी को प्रदूषित कर, अपमार्जकों को भी संक्रमित करना, जो घरेलू अपमार्जक निकलते हैं उसे भी संक्रमित करके तब जल स्रोतों में या जमीन में मिलाना, और या तो फिर गड्ढे में दबा देना जिससे कि खाद इत्यादि बन जाए। मृत शरीर को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, इससे मृदा प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी और जल प्रदूषण भी। तो मृत शरीर को बड़ा गड्ढा खोद करके उसमें दबा देना चाहिए मिट्टी से। वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, वृक्ष मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, और वृक्ष से अनेक लाभ हैं, वायु भी शुद्ध करते हैं वृक्ष। आज के वीडियो में इतना, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे।